नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड तूफान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वरुण धवन की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म कलंक के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलंक फिल्म के बारे में। दोस्तों, कलंक फिल्म एक मल्टी स्टार फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अभिषेक वर्मन और इस फिल्म में लीड रोल में हमें बहुत सारे बड़े बड़े स्टार देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उस स्टार का क्या रोल रहेगा ये भी हम बताएंगे। दोस्तों, कलंक फिल्म का जो बजट है वो 120 करोड़ बताया जा रहा है, यानी कि ये हाई लेवल पर रिलीज़ होगी। दोस्तों, आपको बता दूँ कि कलंक फिल्म में हमें बहुत सारे स्टार देखने को मिलेंगे और सबका एक एक लुक रिलीज़ कर दिया गया है ऑफिशियली। तो सबसे पहले वरुण धवन का लुक रिलीज़ किया है और इस फिल्म में उनका किरदार रहेगा एस जफर। दोस्तों, दूसरा पोस्टर रिलीज़ किया है आदित्य रॉय कपूर का, इस फिल्म में उनका किरदार रहेगा देव चौधरी का। तीसरे पोस्टर जो रिलीज़ किया है वो संजू बाबा का रिलीज़ किया है, यानी कि संजय दत्त का, जो कि बलराम चौधरी का किरदार करते नजर आएंगे। चौथा पोस्टर आलिया भट्ट का रिलीज़ किया है, उनका नाम इस पिक्चर में रूप रहेगा। पांचवा पोस्टर जो रिलीज़ किया है सोनाक्षी सिन्हा का, उनका इस फिल्म में जो रोल रहेगा वो सत्या चौधरी का रहेगा। और छठा और आखिरी पोस्टर रिलीज़ किया है माधुरी मैम का, जो कि बहार बेगम का रोल करती नजर आएंगी। दोस्तों, सभी का लुक बहुत ही बढ़िया है, दर्शकों को बहुत ही पसंद आ रहा है। दोस्तों, इस फिल्म में हमें काफ़ी समय के बाद माधुरी मैम और संजय दत्त एक साथ दिखाई देंगे। और आपको बता दूं कि दोस्तों, इस फिल्म में वरुण धवन और आलिया भट्ट चौथी बार एक साथ नजर आएंगे, तो दर्शकों का जो क्रेज़ है और भी बढ़ गया है। दोस्तों, कलंक फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे करण जौहर और साजिद नडियाडवाला। और दोस्तों, आपको बता दूं कि ये फिल्म अप्रैल 2019 को रिलीज़ होगी। तो दोस्तों, इस फिल्म के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए।